बरेली में सामने आई कलयुगी बेटे की शर्मनाक करतूत विधवा माँ के साथ की दरिंदगी, महिला ने लिखाई रिपोर्ट। बरेली में कलयुगी बेटे द्वारा विधवा के साथ दुष्कर्म करने का शर्मनाक मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित मां ने जहां अपने बेटे के ही खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, वहीं बेटे पर खुद को जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मामला भमौरा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है, जहाँ एक विधवा अपने 6 बेटों के साथ रहती है। उसके 4 बेटे अन्य राज्यों में पानी की टंकी बनाने का काम करते हैं। पीड़िता के अनुसार रविवार को उसके 5 बेटे अपने अपने काम पर जाने के लिए निकल गए, जबकि आरोपित घर पर ही बना रहा। देर रात अपने कमरे में सो रही थी, तभी अचानक दरवाजे की कुंडी पर दस्तक देते हुए आरोपित ने भूख लगने की बात कहते हुए खाना मांगा। आरोप है कि जैसे ही उसने दरवाजे की कुंडी खोली, तभी आरोपित ने उसे दबोच लिया। इसके साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित ने रात भर उसे बंधक बनाए रखा। तड़के वह अपनी मां को जान से मारने के लिए गड़ासा ढूंढ रहा था। ये देख मौका पाकर वह कमरे से निकल भागी, जिसके बाद उसे चकमा देकर अपने एक रिश्तेदार के घर जाकर छिप गई। इसके साथ ही महिला ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी अपने अन्य बेटों को फोन पर दी। जानकारी मिलते ही सारे बेटे सोमवार की शाम को घर पहुंचे, जिसके बाद सभी ने मंगलवार सुबह आरोपित को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। इसके साथ ही उसे लेकर थाने पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस को पूरा मामला बताते हुए थाने में तहरीर दी। पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही महिला को मेडिकल कराने के लिए भेजा है। इस घटना से क्षेत्रीय लोग भी सकते में हैं। 14 साल पहले भी हुई थी पति की मौत। महिला के पति की मौत 14 साल पहले हुई थी। उस वक्त आरोपित की उम्र 11 वर्ष थी। महिला ने पुलिस के सामने बेटे की दरिंदगी सहित अन्य कारनामों का चिट्ठा भी खोला। हालांकि मां के साथ घटी इस घटना से बेटे भी सदमे में हैं।